रिम डिफेंस एकेडमी की अनुभवी टीम के साथ अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से रिम डिफेंस एकेडमी ऐप। नमस्कार, रिम डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल फिजिकल तैयारी करने वाले बच्चों के लिए आज का ये वीडियो होगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको फिजिकल के लिए जाते समय ले जाने हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, 27 दिसंबर से आपके फिजिकल शुरू हो रहे हैं। अगर किसी बच्चे को अभी भी डाउट लग रहा है किसी प्रकार का, अगर आपने शुरुआत ही नहीं की है फिजिकल की, तो बचे हुए समय में भी आप आराम से फिजिकल की अपनी तैयारी अभी भी कर सकते हैं। लगातार हमारे YouTube पर जो वीडियोज आ रहे हैं उनको आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो आप जितने भी दिन के लिए आना चाहे, रिम डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। हॉस्टल फैसिलिटी है बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए, और एकेडमी का जो एक नंबर आपको नीचे दिख रहा है इस पर आप कॉल कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की मदद आप ले सकते हैं। जो बच्चे आज पहली बार चैनल पे हैं, जो बच्चे आज मुझे पहली बार सुन रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं लगातार हमारे साथ बने रहने के लिए। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल फिजिकल तैयारी से संबंधित कोई भी मदद लेने के लिए आप लगातार मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स। तो देखिए, सबसे पहली चीज कि डॉक्यूमेंट्स के अंदर बहुत जल्दी से आपको बाहर नहीं किया जाएगा, आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस बार ये पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है, पहले फिजिकल हो रहा है, उसके बाद में रिटर्न एग्जाम होगा, उसके बाद में आपका ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो उसके बाद में होगा। तो आपको अभी डॉक्यूमेंट्स के लिए ज्यादा चिंता नहीं करनी है। अभी जब आपके एडमिट कार्ड आएंगे 20 तारीख के आसपास, उस समय इंस्ट्रक्शंस का फॉर्म आएगा, उसमें बताया जाएगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट साथ में ले जाने हैं। आज मैं जो आपको डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूं ये नोटिफिकेशन में दिए हुए हैं, जो पुलिस का नोटिफिकेशन निकला है कांस्टेबल का, उस समय बताया गया है, उनके आधार पे मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूं। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये 5 नंबर तक वाले डॉक्यूमेंट्स तो आपको अभी फिजिकल के टाइम ले जाने होंगे, और ये जो नीचे वाले 3 डॉक्यूमेंट है ये आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जब आप जाएंगे रिटर्न एग्जाम पास करने के बाद, तब इनकी जरूरत पड़ने वाली है। तो इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है एडमिट कार्ड फिजिकल का, जो आपका जारी होगा वो आपको लेके जाना पड़ेगा, उसमें एक फोटो लगानी होगी, और साथ में आपको ऑनलाइन फॉर्म जो आपने ऑनलाइन आवेदन किया था कांस्टेबल के लिए उसका एक प्रिंट आपके पास होना चाहिए, वो आपको साथ लेके जाना है। उसके बाद आपके पास पहचान के लिए आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड के अभाव में आपके पास पहचान के लिए दूसरा भी कोई सर्टिफिकेट आपका हो सकता है जो ओरिजिनल चाहिएगा, जिससे आपकी पहचान की जाएगी। इसके बाद में मेडिकल सर्टिफिकेट फिटनेस का, जो दौड़ करने के लिए आवश्यक है, और ये किसी भी सरकारी हॉस्पिटल से आप बना सकते हो, और इसका जो परफॉर्मा है वो अपने टेलीग्राम चैनल पे दिया हुआ है, रिम डिफेंस अकेडमी जयपुर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, और उसके ऊपर आपको मेडिकल का ये सर्टिफिकेट मिलेगा। ये सर्टिफिकेट आप कहीं से भी बनवा सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप जहां रहते हो वहीं से बनवाएं, जहां आप तैयारी कर रहे हो, जहां आप फिजिकल देने के लिए जाने वाले हो, सीधा वहां भी आप कहीं से भी बना के ले जा सकते हो। एक सर्टिफिकेट आपको और चाहिएगा, 5 नंबर पे जो दिया हुआ है विशेष योग्यता के अंक प्रमाण पत्र, ये भी दिया हुआ है नोटिफिकेशन में कि अगर आपको विशेष योग्यता के जो 20 नंबर मिलने वाले हैं, जिसमें एनसीसी, होमगार्ड या पुलिस से संबंधित डिग्री डिप्लोमा, अगर आपको ये चाहिए 20 नंबर इनमें से, तो आपके पास ये सर्टिफिकेट भी ओरिजिनल अभी फिजिकल के टाइम होने चाहिए। इसके अलावा और अगर कोई चीज की जरूरत पड़ेगी तो वो एडमिट कार्ड के साथ में इंस्ट्रक्शंस आएंगे, उनमें दिया हुआ होगा। अभी आप ये सिर्फ तैयार रखिए। इसके बाद में ये जो नीचे वाले 3 सर्टिफिकेट है, इनके लिए मैंने डिटेल वीडियो लगभग 2 महीने पहले इसी चैनल के ऊपर दिया हुआ है, वो आप देख लेना, जिसमें मैंने अच्छे से हर चीज समझाई है। बट फिर भी शॉर्ट में बता देता हूं कि शैक्षणिक योग्यता के सारे प्रमाण पत्र आपके पास होने चाहिए। ये भर्ती है, ये 12th पास के आधार पर हो रही है, तो 12th तक की आपके पास मार्कशीट, 10th और 12th की, ऊपरी अगर शैक्षणिक योग्यता आपने कोई कर रखी है, ग्रेजुएशन है या पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो उसके कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं है। आपके पास सर्टिफिकेट होते हैं अच्छी बात है, नहीं होते कोई बात नहीं। इसके बाद जाति प्रमाण पत्र, ये अलग अलग होगा, एससी और एसटी को बार बार बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को, ओबीसी कैटेगरी को, एमबीसी को, इनको सर्टिफिकेट 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, तो वो आपको अभी बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपके रिटर्न एग्जाम के बाद में चेक होंगे, तो ये आप बाद में बनवाना। इसके बाद चरित्र प्रमाण पत्र, तो ये 2 चरित्र प्रमाण पत्र आपको बनाने होते हैं, एक आपके एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट जहां से आपने लास्ट नियमित योग्यता प्राप्त की है, पढ़ाई की है, उस कॉलेज या स्कूल का हो सकता है, वो एक ही बार मिलता है, अगर आपने पहले ले रखा है तो उसी की फोटोकॉपी चलेगी, वो ओरिजिनल भी आपके पास होना चाहिए, और अगर आपने पहले नहीं लिया है तो अभी भी आप ले सकते हैं। प्राइवेट का ये सर्टिफिकेट नहीं होता है, और साथ में एक सर्टिफिकेट, एक चरित्र प्रमाण पत्र आपको गजेटेड किसी भी
ऑफिसर का, डॉक्टर का, सरकारी हॉस्पिटल के हेडमास्टर का या सरपंच का, वो भी आपको बना के ले जाना है, लेकिन ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय होगा। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन के लिए, विडो कैटेगरी के लिए, तलाकशुदा के लिए, उनके सर्टिफिकेट अलग से आपके पास होने चाहिए। तो ये थे आपके डॉक्यूमेंट्स जो आपको राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में फिजिकल के टाइम जरूरत पड़ने वाली है। इससे संबंधित अगर आपको और कोई डाउट है तो वो आप कमेंट कर सकते हो इस वीडियो के नीचे, या फिर जो एकेडमी का नंबर दिया हुआ है इसके ऊपर आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, जिससे आपको पूरी जानकारी वहां से मिल सकती है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद।